हेलो एवरीवन, आई एम पूजा पवन। मेरे यूट्यूब चैनल रोजगार गाइड पे पर फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपके सामने फिर से लेटेस्ट वैकेंसी लेकर आई हूँ जो कि बीरबल साहनी इंस्टीट्यूट ऑफ पैरोसाइंस से आउट की गई है। कौन कौन सी पोस्ट पर वैकेंसी आउट की गई है, नंबर ऑफ वैकेंसी कैटेगरी वाइज क्या रहने वाली है, एलिजिबिलिटी क्या मांगी गई है, कौन से ग्रुप के लोग अप्लाई कर सकते हैं, लास्ट डेट क्या रहने वाली है, सैलरी क्या मिलने वाली है, अप्लाई कैसे करना है, सिलेक्शन प्रोसीजर कैसा रहने वाला है, इन सारी चीज़ों के बारे में डिटेल में वन बाय वन डिस्कस करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हर आने वाली नोटिफिकेशन आप तक फ्रेंड्स, इस वैकेंसी से संबंधित लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। जैसे ही आप लिंक पर क्लिक करेंगे आपके सामने BSIP जो कि लखनऊ यूनिवर्सिटी से संबद्ध है, वहां से वैकेंसी आउट की गई है। स्क्रॉल डाउन करने के बाद आपको नोटिफिकेशन सेक्शन में फर्स्ट नंबर पे ही एडवर्टाइजमेंट नाम का एक लिंक मिल जाएगा, या आप होम पेज पे ही करियर सेक्शन पर भी क्लिक करेंगे तो यहाँ से आपको एडवर्टाइजमेंट की डिटेल्स मिल जाएंगी। यहाँ फर्स्ट नंबर पे ही दिया गया है तो यहाँ से आप डिटेल्स को डाउनलोड करके देख सकते हैं, जिसके मैंने डाउनलोड कर लिया है। तो एडवर्टाइजमेंट नंबर यहाँ पर BSIP/SNA/02/2023 दिया गया है। परमानेंट पोजीशंस के लिए वैकेंसी है, ऑल ओवर इंडिया के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। एंड यहाँ पर आप 20 फरवरी 2023 से 15 मार्च 2023 के बीच में ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। तो 20 फरवरी से ऑनलाइन अप्लाई करने का लिंक वेबसाइट पर एक्टिवेट हो जाएगा। एप्लीकेशन फीस साइंटिस्ट एफ में एंड साइंटिस्ट बी के लिए 1000 दिया गया है। जनरल OBC EWS कैंडिडेट के लिए, MTS के लिए यहाँ पर 250 है जनरल OBC EWS कैंडिडेट के लिए। अगर आप SC ST PH वोमेन कैंडिडेट है तो आपको किसी भी तरह की फीस पे नहीं करनी है। अदर डिटेल्स देख लेते हैं। यहाँ पर साइंटिस्ट एफ में 1 वैकेंसी, लेवल 13 ए की सैलरी है। यहाँ पे साइंटिस्ट बी में 14 वैकेंसी दी गई, अच्छी खासी वैकेंसी साइंटिस्ट बी में है, लेवल 10 की सैलरी है। MTS में 4 वैकेंसी है, लेवल 1 की सैलरी यहाँ पर मिलेगी। इस तरह से टोटल वैकेंसी यहाँ पर 19 दी गई हैं। साइंटिस्ट एफ में लेवल 13 ए में यहाँ पर मैक्सिमम 55 ईयर कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपके पास MSc या रिकग्नाइज इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन है विद द फर्स्ट डिवीजन इन बायो साइंस जियोलॉजी फिजिक्स केमिस्ट्री में या एनी ईली डिसिप्लिन में आर्ट्स साइंस में 15 ईयर रिसर्च एक्सपीरियंस है तो अप्लाई कर सकते हैं। या आपके पास PhD रिलेवेंट डिसिप्लिन में है एंड 12 ईयर का पोस्ट डॉक्टरल रिसर्च एक्सपीरियंस है तो अप्लाई कर सकते हैं। एंड आपके पास डिजायरेबल क्वालिफिकेशन में आइसोटोप जियोकेमिस्ट्री जियोक्रोनोलॉजी C14 डेटिंग में होना चाहिए। साइंटिस्ट बी में 14 वैकेंसी है, मैक्सिमम 35 ईयर कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपके पास MSc है फर्स्ट डिवीजन में बायोसाइंस जियोलॉजी फिजिक्स केमिस्ट्री में या एलिट साइंस अर्थ साइंस में, साथ ही 3 ईयर का रिसर्च एक्सपीरियंस है रिलेवेंट डिसिप्लिन में अप्लाई कर सकते हैं। PhD है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। डिजायरेबल क्वालिफिकेशन स्पेशलाइजेशन में यहाँ पर दिया गया है, आप यहाँ से स्पेशलाइजेशन का डिटेल्स देख सकते हैं। MTS में यहाँ पर लेवल 1 की सैलरी, 18 से 25 साल कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। 10th क्लास पास आउट मांगा गया है या आपके पास ITI या इक्विवेलेंट डिग्री है, स्पेसिफिक क्वालिफिकेशन है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। एंड बेसिक कंप्यूटर नॉलेज भी यहाँ पर मांगा गया है। एज लिमिट की काउंटिंग 1 जनवरी 2023 से की जाएगी। तो फ्रेंड्स, ऑनलाइन अप्लाई करने का लिंक यहाँ पर वेबसाइट पर 20 फरवरी 2023 से एक्टिवेट हो जाएगा तो आप अप्लाई कर सकते हैं। वीडियो को लाइक करके आप इसे अपना प्यार दे सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि जिसको इसकी जरूरत है उसको इसका बेनिफिट मिल सके। थैंक यू।